हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आज है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार है आज, और मैं जा रही हूँ मार्केट ज़रूरी काम से। और इतनी ज़्यादा गर्मी आज हो रही है कि तैयार होते होते एकदम पसीना पसीना हो गया बिल्कुल। बड़ा मुश्किल में तैयार हो पाई, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो जाना ज़रूरी था इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। तो फटाफट से जाते हैं मार्केट से, अपना ज़रूरी काम ख़त्म करके आते हैं, उसके बाद शाम को जाना है पार्टी में। किसके यहाँ जाना है ये आपको लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप के। तो चलते हैं मार्केट और मिलते हैं आपसे आकर के। घर में पहुंच चुकी हूँ, जस्ट अभी बस चेंज करके बस बैठी हूँ। पार्सल वाले का फोन आया था तो मैंने कहा मैं घर आ गई हूँ, अब आ जाओ, तो वो किसी भी वक्त अब आएगा। और धूप कभी निकल रही है कभी छांव है, इस तरीके का मौसम हो रहा है। पर उमस बहुत ज़्यादा थी बाहर, पर इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा, ज़रूरी काम था, क्योंकि आज है बर्थडे। जी हाँ, आज है बर्थडे आन्या का। तो आन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये छोटा सा गाना मैंने बेजुरे होके गाया है, तो आई होप ये गाना अच्छा लगा होगा। और आज है बिट्टू का बर्थडे, मेरी प्यारी सी लाडो का बर्थडे है आज, तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी। मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दिखाती हूँ, मैंने खरीदी है एक ये ड्रेस रेड कलर की, खोलूंगी नहीं ना इसको, ना फिर पैक करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे मैं कलर दिखा देती हूँ। ये रेड कलर का इसमें टॉप है और ये पैंट है इसमें मल्टी कलर की, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, सिंपल सोवर। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसका कपड़ा है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके अलावा एक और लाई हूँ, वो है ये येलो कलर की फ्रॉक, काफ़ी सुंदर है ये, ऊपर से काफ़ी सॉफ्ट इसका फैब्रिक है ये कॉटन का, और काफ़ी अच्छा घेर इसमें है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी जब मैंने इसको देखा था, और बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें कुछ भी चुभने वाला नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि चुभने वाली जो ड्रेस होती है बच्चे पहनते नहीं है, फटाफट से कहते हैं निकालो निकालो, रोने लगते हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है इसका, आराम से वो पहन पाएगी इसको। और कुछ मैं एक्सेसरीज भी लाई हूँ, जैसे कि ये हेयर बैंड, ये क्लिप्स, ये रबड़ बैंड, ये तो मैचिंग मैचिंग हो गया इसका, देखिए है बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गया इसका। ये हेयर बैंड लाई हूँ, काफ़ी प्रिटी सा हेयर बैंड है, देखिए बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने दूर से ही देख लिया था कि मुझे वो वाला चाहिए, तो उसने निकाल दिया, तो मैंने कहा दे दो मुझे, ये बहुत पसंद है। और ये छोटी छोटी सी रबड़ बैंड्स, इसमें क्या बना है, रैबिट बना है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसमें एक रैबिट की आँखें हैं ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर से इसकी आइज बन जाएंगी। गला थोड़ा सा बैठा लग रहा है। तो एक ये रैबिट वाली रबड़ बैंड और एक ये स्ट्रॉबेरी वाली, काफ़ी क्यूट हैं, छोटी छोटी सी, बहुत क्यूट हैं। और ये बो वाली रबड़ बैंड कितनी प्यारी लग रही है ना, अभी तो उसके बाल छोटे छोटे हैं, पर थोड़े दिन बाद उसके बाल जब बड़े हो जाएंगे ना तब ये यूज़ कर पाएगी वो, चाहे एक जैसे चोटी बनाए या दो चोटी बनाए, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी इसमें। तो ये सारा मैं कुछ लाई हूँ, उसको बस पैक करना है इसको मुझे, मैं पैक खुद ही करूँगी, क्योंकि खुद से पैक करो ना तो उसमें थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो उसमें अपना ढेर सारा प्यार मैं उसमें लगा के उसको पैक करूँगी। तो कोई भी काम से अपने आप करो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी तो मार्केट में भी पैक करा सकते हैं, पर मैं खुद से ही पैक करती हूँ ज़्यादातर, जितने भी गिफ्ट मैं ले करके आती हूँ उसी के लिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। ये लाई हूँ मैं ढेर सारी चॉकलेट्स, जो कि मैं साथ में ही पैक करूँगी, अब तो बड़ी हो गई है, खाएगी ये सब चीज़ें, उसको अच्छी लगेंगी, और बच्चों को तो पसंद होती हैं ये सब चीज़ें। तो बस बस ये मैं पैक करने जा रही हूँ, फटाफट से पैक करके रख दूँगी तो एक काम ख़त्म हो जाएगा।
इसमें जो है ना कांटे लगे हैं, तो इनको मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो चुभने का डर है किसी के, लग सकते हैं। ये जो इसका रैपिंग पेपर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये कागज का है, पन्नी पन्नी का नहीं है, मतलब पॉलिथीन नहीं है। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लगा देंगे हम टेप। गिफ्ट मैंने पैक कर लिया है और ये काफी ज्यादा मुझे सुंदर लग रहा है। इसमें जो ये फ्लावर्स बने हैं ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप लोग भी देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। आई होप कि बर्थडे गर्ल को भी ये अच्छा लगेगा। मैंने बहुत प्यार से इसको पैक किया है, इसमें मेरा ढेर सारा प्यार है बिट्टू के लिए। हैप्पी बर्थडे बिट्टू। तो जाने से पहले मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि जो पापा हैं वो आने वाले हैं, इसलिए फटाफट से खाना बनाना है उनके लिए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं खाने में। और यहाँ पर मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि फटाफट से खाना बनाया था, पहले पता नहीं था कि खाना बनाना है, बाद में उन्होंने बताया तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ खाना। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन बनाए हैं, उनको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो लो ना, तो फिर जल्दी फूल जाते हैं। और थोड़ा सा मैंने आलू काट लिए हैं। एकदम से ही मतलब खाने बनाने का वैसे पता नहीं था कि मतलब खाना बनाना है, लेकिन पापा जी आने वाले थे तो फिर वो क्या खाते हैं और पता नहीं हम लोगों को कितना लेट हो जाता आने में। तो अच्छा है कि मतलब खाना बना के रख दो तो फिर अच्छे से खा सकता है आदमी, तो इसलिए मैंने खाना बना के रख दिया था, रोटी सेक के रख दी थी। और इनके चाचा जी की तबीयत ख़राब थी तो सब लोग आए हुए थे, कुछ लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे तो उनके लिए खाना वहाँ इन भी दे आए थे। उसके बाद पापा जी के लिए खाना मैंने यहाँ पे बना के रख दिया था, तो ये पापा जी को घर छोड़ने आए थे तो इन्होंने खाना पापा जी को खिला दिया था। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे तैयार होके।
वेरी गुड। तो जस्ट अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।